नेक्स्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं इसी इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक से. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्वेश्चन बैंक ऑफ जेई एडवांस. ये IIT का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, लेकिन इससे आप मेडिकल के स्टूडेंट डरना नहीं. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IIT के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट रहता है, जबकि मेडिकल और जेई मेन का जो क्वेश्चन रहता है बहुत छोटा रहता है, कॉन्सेप्ट उसमें बहुत कम रहता है. टू द रेडीमेड फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट आंसर करो. मीन्स कैलकुलेशन रहता है और फॉर्मूला रहता है, बट कॉन्सेप्ट यहाँ रहता है. तो इस कॉन्सेप्ट को समझ के ही आप किसी रेडीमेड क्वेश्चन को, मीन्स रेडीमेड फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को बना सकते हो. इसको देखो, इसमें नाम से आप क्वेश्चन कह रहा है कि एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ सॉल्ट कंटेनिंग 0.4 ग्राम कॉपर 2+ इज इलेक्ट्रोलाइज्ड अंटिल ऑल द कॉपर इज डिपोजिटेड. मीन्स पॉइंट नोट, यह पॉइंट टू बी नोटेड, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्यूशन कॉपर 2+ का है, उसमें कॉपर 2+ कितना है जी, 0.4 ग्राम. इलेक्ट्रोलाइसिस तब तक किया जा रहा है जब तक कि पूरा का पूरा कॉपर 2+ कॉपर में डिपोजिट ना हो जाए. अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है, द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कंटिन्यूड फॉर 7 मोर मिनट्स. एक इलेक्ट्रोलाइसिस, एक सेक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस जब हुआ पहले सेक्शन में, तो कॉपर 2+ का डिपोजिशन हुआ. When deposition of copper 2+ is completed, then electrolysis is still continue for 7 more minutes. 7 और मिनट तक electrolysis continue रहा. इसका क्या इफेक्ट हुआ? More minutes with the volume of solution kept at 100 milliliter. Solution के volume को 100 milliliter तक रखा गया है और electrolysis को आगे किया गया. And the current at 1.2 ampere, means 1.2 ampere current को पास करा करके 7 मोर मिनट्स तक इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया. तो हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड एट NTP ड्यूरिंग द इंटायर इलेक्ट्रोलाइसिस. पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग NTP पे जो गैसेस प्रोड्यूस हुई है, उस गैसेस से क्या निकालना है जी, वॉल्यूम निकालना है. अब वह इलेक्ट्रोलाइसिस जहां पे कॉपर 2+ का डिपोजिशन हो रहा है, वहां पे गैसेस कौन प्रोड्यूस होगा जी? तो देखो, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन, इट मींस दिस सॉल्यूशन हैज H+ अपार्ट फ्रॉम कॉपर 2+ H+ इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड दिस इज एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ वॉटर भी होगा, मीन्स वॉटर का OH- भी होगा. मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है. एसिडिक कॉपर 2+ सॉल्यूशन, इट मींस दिस सॉल्यूशन हैज कॉपर 2+ H+ OH- वाटर, मींस वाटर तो है ही, ये सब है. अब पॉइंट ये हो रहा है कि जब पहले इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप कराते हो तो कॉपर 2+ डिपॉजिट हो रहा है. क्यों? H+ भी तो है. तो मैं आपको सिखाया हूं कि कॉपर 2+ का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी H+ से ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर 2+ के प्रेजेंस में H+ कभी भी आप कैथोड के अप्रोच नहीं करेगा. जब तक सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है तब तक कैथोड पे कॉपर 2+ ही जाएगा और कॉपर 2+ ही आपका मीन्स कॉपर ही डिपॉजिट होगा. तो सेवे आपके मीन फर्स्ट फेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, पहला सेक्शन में कॉपर 2+ का डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे. लेकिन जब कैथोड पे कॉपर 2+ डिपोजिट हो रहा है तो एनोड पे कौन डिपोजिट हो रहा है, मीन्स एनोड पे कौन रिलीज हो रहा है, ये देखना होगा. तो कटायन तो यहाँ पे मोर देन वन है, वाटर H+ मीन्स H+ एंड कॉपर 2+ दोनों है, बट एन आयन इज ओनली OH- मीन्स वाटर, एन आयन ओनली OH- है. तो एनोड पे OH- जाएगा. और मैं आपको ये भी बताया हूं जब OH- एनोड पे जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, OH- एनोड पे जाकर के डिस्चार्ज होकर के ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, साथ में वाटर ही बाहर निकलता है. बट वाटर तो प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे ट्रीट होगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही आपका एक्वस है. तो OH- क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है. यह पॉइंट आपके लिए है जरूरी. तो देखिए जी, जब कॉपर 2+ कैथोड पे लिबरेट होगा, सॉरी डिपोजिट होगा,
उस समय एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस ऑक्सीजन गैस का भी आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। और फिर जब 7 मोर मिनट्स तक आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे विथ 1.2 एम्पियर करंट, तो उस दरमियान क्या होगा, आप सॉल्यूशन में तुम्हारा कॉपर 2 प्लस कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया, मीन्स डिपॉजिट हो चुका है, अब सॉल्यूशन में H प्लस बचा हुआ है। आप अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इस 7 मोर मिनट्स वाले इलेक्ट्रोलाइसिस में H प्लस अप्रोच करेगा कैथोड को और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा कैथोड पे। लेकिन एनोड पे तो स्टिल OH- माइनस ही जाएगा, जब कैथोड पे कॉपर 2 प्लस जा रहा था तब भी एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था, जब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तब भी एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग को करना क्या है कि कॉपर 2 प्लस के डिपोजिशन के ड्यूरिंग जितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ उसका मोल निकाल लेंगे, फिर 7 मोर मिनट्स के ड्यूरिंग जो आपका ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ उसका मोल निकाल लेंगे, जो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे प्रोड्यूस हुआ उसका मोल निकाल लेंगे। सबका मोल निकाल लिए, हमसे एसटीपी पे वॉल्यूम पूछ रहा है, मींस एनटीपी वॉल्यूम पूछ रहा है। यू नो एसटीपी और एनटीपी पे अगर किसी का वॉल्यूम पता है तब उसका मोल निकाल सकते हो, अगर उसका मोल पता है तब उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसलिए ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो पूरे इंटायर इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग जो प्रोड्यूस हुआ है उसका मोल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और एनटीपी पे मोल से क्या निकाल लेंगे, जी वॉल्यूम निकाल लेंगे, बिकॉज 1 मोल हैज 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो जितना मोल होगा उसमें हम लोग 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारे गैसेस का वॉल्यूम होगा और इस तरह से आंसर निकल जाएगा। जो मैं आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत पहले क्वेश्चन है आईआईटी का, बट इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करके कितने बार तो जेईई एडवांस पूछा है, दूसरे एग्जाम का तो बात ही छोड़ दो, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ कैलकुलेशन। अब इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है जी, डिपोजिशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, डिपोजिशन ऑफ कॉपर, कॉपर का जो डिपोजिशन होता है फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसमें हम पता करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में कॉपर 2 प्लस कितना डिपोजिट हो जा रहा है, 0.4, तो कॉपर 2 प्लस का मास डिपोजिटेड मास हमें पता चल गया, कॉपर का हमें इक्विवेलेंट वेट पता है, तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और मैं आपको पढ़ाया हूं जितना इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का कैथोड पे प्रोड्यूस होगा उतना ही इक्विवेलेंट एनोड पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड, जो कैथोड पे कंज्यूम होता है वही इलेक्ट्रिसिटी एनोड पे रिलीज होता है, इसलिए इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व एट कैथोड एनोड, सो इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनोड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हो, मींस जितना इक्विवेलेंट कॉपर का प्रोड्यूस होगा उतना ही इक्विवेलेंट आपका एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा, OH- 2OH- गया, मैं आपको सिखाया हूं कैसे लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, हाफ O2 बन जाएगा और साथ में H2O प्रोड्यूस होगा। अब कॉपर एट कैथोड कैथोड पे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में डिपॉजिट हो गया। तो देखो जी, अगर आप मैलेंस करके मोल मेथड से निकालो, मीन्स कॉपर का मास दिया हुआ है उसके हेल्प से क्या निकाल सकते हो, कॉपर के मास से फिर करंट दिया हुआ टाइम निकालोगे, उस टाइम से फिर आप ऑक्सीजन गैस का मास निकालने के लिए फिर उस टाइम को यूज करोगे निकालोगे, काफी लंबा प्रोसेस होगा। इक्विवेलेंट मेथड यूज करते हैं, इक्विवेलेंट मेथड का मीनिंग हुआ जितना इक्विवेलेंट एनोड पे प्रोड्यूस होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पे प्रोड्यूस होगा।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंसेस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट कैथोड एंड एनोड कैथोड एंड एनोड आर सेम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इस चीज को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां आपको देखने में दिक्कत हो सकता है मीन्स लिखना यह है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट कैथोड मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग एनोड पे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसका इक्विवेलेंट और कैथोड पे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसका इक्विवेलेंट दोनों का सेम होगा क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व एट कैथोड एंड एनोड। चलिए यहां पर देखिए कॉपर का मास दिया हुआ है कॉपर का इक्विवेलेंट मास पता है तो हम लोग निकाल लेंगे कि कॉपर का कितना इक्विवेलेंट कैथोड पे डिपोजिट हुआ तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड कितना होगा जी। अब कॉपर का मास कितना है यहां पे मास है 0.4 ग्राम कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 कॉपर के ऊपर चार्ज प्लस 2 है मीन्स एन फैक्टर 2 होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहां पे 2 पर चला जाएगा मीन्स ये हो गया 0.8/63.5 यह हुआ कॉपर का इक्विवेलेंट। अब जितना इक्विवेलेंट हमारा कॉपर होगा उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूस्ड O2 प्रोड्यूस्ड O2 एट एनोड इतना ही होगा सेम 0.8 × 63.5। अब यहां पे निकल गया तुम्हारा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट इतना इक्विवेलेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा एनोड पे इसका मोल निकाल लेते हैं क्योंकि हमें गैसेस का मोल चाहिए उस मोल के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे एनटीपी उनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में कि किस तरह से नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करोगे। नंबर ऑफ मोल से हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हमेशा या तो मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है वरना उससे कम होता है। तो यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है इतना अब नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से किसी का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड O2 इज इक्वल टू व्हाट ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसमें एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे जी इंटू एन फैक्टर। अब ऑक्सीजन का एन फैक्टर क्या है तो मैं आपको बताया हूं 4। आप सब अब इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं देख लो एन फैक्टर मैं कल ही आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 32/4 जो 8 ग्राम होता था 8 ग्राम कहां से आएगा जी 4 से डिवाइड करने पे तो एन फैक्टर ऑक्सीजन गैस का क्या होगा जी 4 होगा तो यहां 4 से डिवाइड कर देंगे इतना मोल हो गया प्रोड्यूस O2 इतना O2 प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ कॉपर एट कैथोड इतना मोल O2 का प्रोड्यूस हो रहा है कहां जी एनोड पे। अब O2 का मोल निकल गया
अब इस तरह 7 मोर मिनट्स के लिए क्लासेस करेंगे और फिर हम निकालेंगे कि उस दरमियान O2 और H2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सब तीनों के मोल को ऐड करेंगे, फिर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड पार्ट, अब फॉर सेकेंड पार्ट में 7 मोर मिनट्स इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 7 मोर मिनट्स। देखो जी, 7 मिनट्स तक और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यहां तो क्लियर है। एनोड में जाएगा ऑक्सीजन, कैथोड में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन, एट एनो एट कैथोड 2H+ H2 गैस प्रोड्यूस हो गया, एट एनोड 2H- अब हमें इसका मोल निकालना है दोनों का, तो इसका तरीका है इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट फिर मोल निकाल लेंगे। अब अगर हमें यह पता चल जाए कि इस बोला है कि 7 मिनट्स तक 1.2 एम्पीयर का करंट पास कराया जा रहा है, इससे हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, तो हम चार्ज फैराडे में निकाल लेंगे। जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगा उतना ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस आपका डिपॉजिट और लिबरेट होगा। तो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई है 1.2 और टाइम कितना है 7 मोर मिनट्स, तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना चार्ज हो गया। लेकिन ये चार्ज आपका कूलम्ब में हुआ, हमें फैराडे में निकालना है, तो कितना हो जाएगा चार्ज फैराडे में निकालने के, 96500 से डिवाइड कर दिया, 0 से कैंसिल हो गया, सिक्स बाई 9650। अब इतना फैराडे हो गया, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट, तो इतना फैराडे इतना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस और डिपॉजिट करेगा। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 कितना हो जाएगा 1.2 × 7 × 6/9650, इतना इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हो जाएगा, इतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी होगा। अब हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन तो इसके इक्विवेलेंट में n फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मोल। अब इसके H2 का n फैक्टर क्या होगा तो आपको पता है 2, तभी ना हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 जब निकालते हैं तो 2/2 1 ग्राम हो जाता है, n फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूस H2। उसी तरह से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड O2 ड्यूरिंग 7 मोर मिनट्स में, ये इतना इक्विवेलेंट तो इतना ही रहेगा। तो देखो जितना इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का है उतना ही इक्विवेलेंट नाइट्रो ऑक्सीजन का भी है, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, एन फैक्टर डिवाइड करेंगे, और O2 का एन फैक्टर क्या है 4 है, तो 1.2 × 7 × 6/9650/4। तो इस तरह से O2 का भी निकल गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि तीनों के मोल को ऐड कर देंगे और तीनों को मोल को ऐड करके 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NTP पे वॉल्यूम मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस गैसेस। ये प्रोड्यूस हुआ था कॉपर के डिपोजिशन के ड्यूरिंग, ये आपका है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का है जब 7 मोर मिनट्स में, तो 1.2 × 7 × 6/9650 × 4 प्लस ये हाइड्रोजन का है 1.2 × 7 × 6/9650 × 2, ये हुआ सबका मोल। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एट NTP =
volume of produced gases at NTP is equal to number of moles में उससे मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से पॉइंट टू पॉइंट थ्री प्लस 22.4 लीटर। इस तरह से आंसर हो गया आपका यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी कुछ कॉन्सेप्ट है करंट एफिशिएंसी का एंड पोटेंशियल ड्रॉप का, आप देखो दोनों को। क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। इफ द करंट ऑफ इफ द करंट एफिशिएंसी, एक करंट एफिशिएंसी एक न्यू टर्म आया, इफ द करंट एफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट्स, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। दो क्वेश्चन यहां पे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, किस काम के लिए चार्ज पूछ रहा है, तो बोल रहा है 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए कितना चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। साथ दूसरी बात दिया हुआ है कि करंट एफिशिएंसी है 50%, मींस अगर 2 एम्पियर करंट पास करेगा तो 1 एम्पियर रिस्पॉन्सिबल होगा तुम्हारे इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए, मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। करंट एफिशिएंसी 50% है इसका मतलब। तो साथ वही पूछ रहा है कि पूरे आपके सेल के ड्यूरिंग मीन्स 3 वो अक्रॉस द सेल, पूरे सेल में जो सर्किट काम कर रहा है उसके अक्रॉस 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हुआ। तो एनर्जी निकालने के लिए वो क्या पता होना चाहिए, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट। तो पोटेंशियल आपको पता है 3 वोल्ट, करंट निकाल लोगे तो चार्ज निकाल लो क्यू इंटू वी, एनर्जी पी वी इंटू आई पावर होता है पर सेकंड, लेकिन अगर आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी आपका होगा क्यू इंटू वी, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया हूं और आप सब पहले से पढ़े होंगे फिजिक्स में भी कि वी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर क्यू चार्ज मोशन करता है तो उसके पास एनर्जी कितना आ जाता है, क्यू इंटू वी। तो हमें क्यू निकालना है, फिर वी दिया हुआ है तो क्या निकल जाएगा, एनर्जी कंज्यूम। तो पहला जवाब है क्यू निकालना है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन देखते हैं, तो यह है नाइट्रोबेंजीन, इस नाइट्रोबेंजीन को कहां रिड्यूस करके ले जाया जा रहा है, एनिलीन में। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2 ऑक्सीजन, तो 4 नेगेटिव, तो यहां पे 4 नेगेटिव, नाइट्रोजन में आप जाए हो जाएगा 4 पॉजिटिव, लेकिन एक कार्बन है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका नाइट्रोजन होता है, तो उस वजह से नाइट्रोजन पे आएगा 1 नेगेटिव, मीन्स नेट कितना हो जाएगा 3+, यहां पे नाइट्रोजन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन +3 हो जाएगा। यहां देखिए यहां +3 है और यहां पे हो जाएगा -3, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कार्बन से भी है, तो हाइड्रोजन की वजह से 2 हाइड्रोजन 2 नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन की वजह से आएगा तो 3 नेगेटिव। तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन और +3 से कहां जा रहा है -3 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है जी 6, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इक्वल टू मोलेक्युलर बाय 2, राइट।
अब इसका निकालते हैं हम लोग कि मोलेकुलर वेट इसका कितना हो जाएगा, और फिर मोलेकुलर वेट रख मोलेकुलर वेट में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसका मोलेकुलर वेट निकालोगे, जो डेटा दिया हुआ है 12.3 ग्राम, और इसका मोलेकुलर वेट निकालोगे तो 123 हो जा रहा है। मीन्स कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, तो 123/6 हो गया यहाँ पर, 2 नहीं, क्योंकि किसी रेडॉक्स रिएक्शन के जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का, तो होता है मोलेकुलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यहाँ पे 6 से हो रहा है तो 6 डिवाइड कर दिया। अब हमें करंट के बारे में लिखना है, क्योंकि करंट अगर मान लेता हूं कि अगर आई है, आई आई नॉट अगर मान लीजिए एक्चुअल करंट, बट करंट की एफिशिएंसी है 50%, हियर एफिशिएंसी इज 50%, सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, आई नॉट इंटू 50/100, मीन्स ये हो गया तुम्हारा 0.5 आई नॉट, मीन्स आई इज इक्वल हो गया 0.5 आई नॉट। तब हम लोग इसको पुट करते हैं इस वैल्यू को, फॉर्मूला है हमारे पास, वी नो दैट एम इज इक्वल टू ई बाय 96500 आई इंटू टी, तो करंट इंटू टी, तो करंट तुम्हारा आई नॉट इंटू टी, लेकिन आई नॉट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई मास भी दिया हुआ है, मास कितना है जी 12.3 ग्राम हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट भी हम लोग को पता है 123/6 96500, करंट आई नॉट की जगह पर रखेंगे आई की जगह पर रखेंगे 0.5 आई नॉट, एंड टी। अब इसको यहां सॉल्व करेंगे, हमें आई नॉट इन टी निकालना है, यही हमारा क्या है जी चार्ज है, चार्ज तुम्हारा होगा करंट इन टाइम, ये निकालना है। सबको आप सॉल्व करोगे तो आई नॉट इन टू का वैल्यू आ जाएगा, एंड आई नॉट इन टू का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे चार्ज होगा आपका, फिर चार्ज से हम लोग एनर्जी निकालेंगे। कैलकुलेशन इसका इसको करोगे तो आई नॉट इन टू मीन्स चार्ज का वैल्यू आएगा यह 11,5800 कूलम आपका आ जाएगा इसका चार्ज का वैल्यू। अब चार्ज का वैल्यू निकल गया, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी निकल गया, तो अगला काम क्या है निकालना जी, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड को हम लोग अब यहां लिखते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग, एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस पोटेंशियल ड्रॉप आपका 3 है, एनर्जी कंज्यूम्ड होता है क्यू इंटू वी, चार्ज है 11,5800 कूलम्ब इंटू वोल्टेज है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इतना जूल आपका एनर्जी हो जाएगा जो कंज्यूम होगा।